आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। धनबाद में वर्चस्व को लेकर फिर हुए दो गुट आमने सामने, दोनों के बीच झड़प और मारपीट के बाद चली गोली और बम। गोली और बमबारी में चार लोग हुए घायल, पुलिस ने स्थिति को संभाला। धनबाद में एक बार फिर कोयले की काली कमाई को लेकर दो गुटों के बीच खूनी खेल खेला गया। वर्चस्व को लेकर दो गुटों में एक दूसरे के विरोध में शुरू हुई नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद की स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई कि दोनों गुटों के समर्थकों के बीच झड़प और मारपीट तो हुआ ही, उसके बाद गोली और बम भी चला। इस गोलीबारी और बमबारी में चार लोग घायल हो गए हैं। घटना धनबाद के लोयाबाद सेंद्रा बांस जोड़ा बीसीसीएल के बनास जोड़ा कोलियरी की है, जहां पर डेको नाम की कंपनी आउटसोर्सिंग के तहत कोयले का उत्पादन कर रही है। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि गोली और बम चलने के बाद भगदड़ मच गई। बागमारा डीएसपी दल बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत करते हुए घायल को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। फिलहाल स्थिति अभी काबू में है। घटनास्थल से पुलिस ने दर्जनों बम को भी बरामद किया है। वहीं कई राउंड है, दोनों गुट कांग्रेस समर्थक बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि वहीं पर पहले से एक गुट का कब्जा है और आज दूसरे गुट ने अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। देखो, आउटसोर्सिंग में हम काम करते हैं, मेरा नाम फुलटन हुआ, हम बिजली का काम करते हैं, ओवरहेड का। निचितपुर टाउनशिप मैगजीन मोरिड सब हम देखते हैं टोटल। उसके बाद से वहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ लग रहा था नेता लोग का, है ना। तो एक तरफ से देखे पूरा कांटा के तरफ से भीड़ आ रहा था। उसके बाद हम नीचे उतरे तो बोला ये मोहली जी का, इसको भी मारो। शुभम चौहान मेरा ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद फिर हम किसी भी तरफ वहाँ से भाग भूक के अपना जान बचाया, डॉक्टर साहब के यहाँ आके भर्ती हुए। उसके बाद क्या हो फिर हमको पता नहीं चला कुछ। ठीक ठीक उसने बंदी का आह्वान किया था, 50-100 की संख्या में वो लोग आए और बंद। उसी बीच उन्होंने आने के दौरान दर्शन कराने के उद्देश्य से फायरिंग की। घटनास्थल से कुत्ता भी बरामद हुआ है। अभी जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। अभी सभी लोगों को बता दिया जाए, इसमें लोग आइडेंटिफाइड थे, जो जो लोग थे सभी पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अरेस्ट करेंगे। जो भी विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था को भंग करने का ये काम कार्य किया है, अभी भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड गोली बम चला है ये तो ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन गोलियां चली हैं। हम लोगों को खोखा बरामद हुआ है, अभी हम लोग कंटिन्यू चली है। किसी के सर घायल होने की किसी के भी घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। सभी वालों से बात हुई है, किन कोई अभी घायल नहीं है, कोई पुलिस वाला भी घायल नहीं है, कोई भी आम जनता के अभी तक ऐसी। सर बम सर बम भी चलिए क्या? बम चलने की सूचना नहीं है। किन लोगों ने चलाया सर, बंद समर्थकों या सर कंपनी के? बंद समर्थकों ने सर मामला के आगे का कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई करेंगे, अभी तो सबसे पहले प्राथमिकता हम शांति व्यवस्था बहाल करना है। उसके बाद जो आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करके प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो आज चिन्हित व्यक्ति हैं सभी पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबको अरेस्ट करके